कॉन्शियस फैसला है, यूट्यूब पे आने का फैसला भी आपका तरफ से तो पोक करके नहीं आया था, इंसान ने खुद ने सोचा तो वो यूट्यूब पे आ गया। अभी वो सोच रहा है कि मैं यूट्यूब पे नहीं रहूंगा, तो वो नहीं रहेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। कई लोगों का बोलना है कि भैया आए भी अपनी मर्जी से, जाओ भी जाओगे भी अपनी मर्जी से। हाँ मैं अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ तो जाऊंगा, नहीं जाना चाहता तो नहीं जाऊंगा। जो मेरे हेटर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा, जिसने मुझे टारगेट किया मेरे बारे में बुरा बोला बात लगाने वाला हूँ तुम्हारी, चिंता मत करो। गौर करोगे जो होते हैं ऐसे लोग कई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनकी आंखें देखोगे फोटोज में वीडियोज में, वो खुलती तक नहीं और वो मेरे बारे में बकवास कर रहे हैं। अरे भैया तुम पहले ड्रग्स लेना बंद करो, तुम्हारी आंखें खुलती हैं ठीक से। सी समथिंग न्यू, बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं वही नया कुछ कर सकते हैं, मतलब उन्हीं से आप नई चीजें देख सकते हो। सी समथिंग न्यू, राइट। कई लोग तो यूट्यूब से इतने डर के रहते हैं कि वो यूट्यूब के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब की पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा उन्हें ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। समझा करो बात को, बाकी समझने वाले समझ जाते हैं यार कौन किसको गलत बोल रहा है, और जनता पागल नहीं होती, समझ जाती। मतलब हम मानते हैं कि टेक्निकल गुरुजी से भी गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। उन्होंने ये चीज कहा, ये तो गलती नहीं कहा था कि मतलब ठीक है जिसको आने का मतलब है वो आए, जिसको जब जाना है जाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर अगर ऐसा जिक्र किया था वीडियो में कि राखी सावंत की तरह हैं, ये तो वो उनकी ये मेरे से हिसाब से ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बट इट्स ओके, ये गलती है उनकी तरफ से, बट बहुत बड़ी गलती नहीं है ये चीज़। लेकिन इस चीज़ को लेकर फिर आपने भी बयान दिया, कहा ये चीज़ कि वो नशा करते हैं, इनकी आँखें देखिए, ये सब मतलब क्या है तो होता है थोड़ा बहुत, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बच्चों की तरह जैसे छोटे बच्चे लड़ते हैं किसी भी एक्सटेंड तक चले, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरे भाई, तो प्लीज सागर भाई ऐसा मत करो। देखो अगर टेक्निकल गुरुजी के बारे में जो भी आपने कहा, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, पैसे वाले हैं, बड़े आदमी है, इतना बड़ा चैनल है, लेकिन घमंड नहीं है उनमें, नहीं नहीं घमंड बिल्कुल नहीं है भाई। पहले बात कर लेते हैं सही गलत की, तो मैं यहाँ पर हमारे सीनियर जो हैं टेक्निकल गुरुजी में अगर आप उनकी बात करते हैं, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये नहीं है कि अगर टेक्निकल गुरुजी हमसे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं तो मैं उनको सही बोलूंगा या मैं ये सोचूंगा कि वो मेरे साथ हमारे साथ कुछ गलत कर सके, कुछ भी नहीं है। मैं जो सच्चाई है मैं उसी चीज़ को यहाँ पर बोलने वाला हूँ। देखिए अगर टेक्निकल सागर जी को स्ट्राइक मिला था उस दिन और उस पर कमेंट किया था टेक्निकल गुरुजी ने कि वो पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। टेक्निकल गुरुजी इतने बड़े यूट्यूबर हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये चीज़ बोलनी चाहिए थी कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है टेक्निकल सागर जी का, और मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल सागर जी को कोई पब्लिसिटी स्टंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने उनके पास व्यूज़ हैं और जितने बड़े वो यूट्यूबर हैं 5 लाख उनके पास शायद सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यूज़ जो हैं वो हम जैसे यूट्यूबर से काफ़ी ज़्यादा उनके व्यूज़ होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे वो यूट्यूबर हैं कि उन्हें कोई पब्लिसिटी स्टंट करने की ज़रूरत। आज मैं बात कर रहा हूँ सौरभ के बारे में, जो टेक्निकल जो आप लगा सकते हैं वो घटिया इंसान है। मैं चाहता तो उसका नाम ले लेता, मेरे को डर नहीं किसी बात का, बट फिर भी ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लेंगे उनका नाम। नाम तो कोई लेता ही नहीं है ना, नाम तो लेने में किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नीचे लेवल पे आके बात नहीं करता। मैं आज बताना चाहूँगा मेरा लेवल क्या है। 150 रुपये पर महीने से काम करके साइबर कैफे में, अभी मैं 3 महीने में अभी मेरे को 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर बोलोगे तो स्टेटमेंट दिखा दूंगा, अभी लाखों में, मतलब मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा या मैं अपना शो ऑफ नहीं कर रहा। तो 150 रुपये महीने से लेकर और लाखों तक का सफ़र तय किया है मैंने इतनी छोटी उम्र में, बल्कि बहुत पहले जब मैं टीनेजर भी था। रही बात करने के शिष्टाचार की और लहजे की और तहजीब की, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेक्निकली, मैं आपसे ज़्यादा खुद को अच्छा समझता हूँ। ये मेरा कोई घमंड नहीं है और ऐसा मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, ये मेरा विश्वास है। अब आगे बात करते हैं कि कैसे इसकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, ये इंसान कैसे पनपा और कैसे यूट्यूब पर इसने नेगेटिविटी फैला दी, इसके बारे में बात करेंगे। एक यूट्यूबर थे वर्मा जी के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था जिसका नाम था सौरभ, जो अभी टेक्निकल उसके नाम से दाढ़ी वाला है, वो तो दाढ़ी वाला आदमी है। उसने क्या किया, उसने एक वीडियो बनाई और वर्मा जी के चैनल पर अपलोड करने की रिक्वेस्ट की। वर्मा जी ने खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि ठीक है आप मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हो और मैं इस वीडियो को डाल देता हूँ ताकि आपका भी कुछ भला हो जाए, आप भी कुछ नया करना चाहते हो। उन्होंने ऐसा कर दिया और इसी जरिए टेक्निकल उसका या सौरभ का चैनल चल पड़ा।
लेकिन बात यह है कि सौरभ अब कभी भी उनको क्रेडिट नहीं देता और हमेशा उनसे मतलब दूरी ही बनाए रखता है। अगर जियो नहीं होता और उनकी किसी ने उनको भीख में चैनल का सपोर्ट नहीं दिया होता, और वो भी एहसान फरामोश, कभी एहसान नहीं मानते उनका, तो उनका चैनल आज भी 300K पे था। मेरे चैनल, मैं अपने अब कंपेयर नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी आज मैं बोलूँगा, मेरे चैनल को किसी ने प्रमोट नहीं किया। जो लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता उनकी 300-300 वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते। और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर चैनल को पुश मिल जाए, शुरुआत में कुछ देखने वाले लोग मिल जाएँ, तो वो चैनल चल पड़ता है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। तो इनको YouTube की सक्सेस भी शुरुआत में भीख पर मिली है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। मैं जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करता, भविष्य की चिंता नहीं करता हूँ, वर्तमान चल रहे हैं, चलने दो। नमस्कार, वर्मा जी शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर की जो बहुत ही मेहनती था, जिसका नाम था टेक्नो नुहेज, NUHEJ, टेक्निकल नुहेज। एक बहुत ही हार्डवर्किंग यूट्यूबर, एक बहुत ही अच्छा इंसान, और उसने शुरुआत एक बॉटल होता है, बॉटल वो गमला, उसमें मिट्टी रख के सेल्फी स्टिक लगा के बहुत नीचे से शुरुआत की। बहुत स्ट्रगल देखा उस आदमी ने, और माशाल्लाह आज उसका सेटअप वगैरह मैं देखता हूँ, बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। उस इंसान को सौरभ ने दो कौड़ी का इंसान कहा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा, उसको लगता था कि जिसके पास पैसे नहीं है, सौरभ को ये लगता था, तो वो दो कौड़ी का इंसान है। उन दोनों ने कोलैब भी किया था, मैं आपको बता दूं। लेकिन कोलैब करने के बाद क्या होता है, कोलैब का मतलब, कोलैब का मतलब होता है दोनों यूट्यूबर आपस में मिलकर एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो दोनों के चैनल पर आएगी। लेकिन वो जो कोलैब की वीडियो है वो सिर्फ नुहेज के चैनल पर आई, टेक्निकल या जो सौरभ है उसके चैनल पर कभी नहीं आई। और जब उससे पूछा गया कि तुमने वो वीडियो अपने चैनल पर क्यों नहीं डाली, या कोई भी पूछता है कि क्यों नहीं डाली, तो पता है क्या जवाब दिया टेक्निकल ने? बोला, मेरे टैग से तुमको व्यूज तो आ गए ना, अब अपना काम करो। इतना घमंड। मतलब ऐसा नहीं है मैं उनके खिलाफ हूँ या टेक्निकल गुरुजी के पक्ष में हूँ। देखो भाई, यहाँ पर गलत भाषा का प्रयोग टेक्निकल गुरुजी ने भी किया था और सागर भाई ने भी किया था। दोनों ने गलत भाषा का प्रयोग किया था और बयानबाजी दोनों ने दी थी। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल गुरुजी ने गलत शब्दों का प्रयोग किया, सागर भाई ने ही गलत शब्दों का प्रयोग किया। नहीं, दोनों ने गलत भाषा का प्रयोग किया। ये चैनल तो चलाते हैं टेक्नोलॉजी का, खैर अच्छी बात है, लेकिन आए दिन ये सिर्फ मोबाइल फोन के डब्बे ही खोलते हैं। इनकी नींव स्ट्रांग नहीं है, ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं। ये किसी आर्टिकल पर जाते हैं, वहाँ से थोड़ी हेडलाइन पढ़ते हैं, और इनको बकवास करना बहुत अच्छे से आता है। अगर आप इनको 2-3 लाइन दे देंगे तो इसको पूरे हफ्ते बकवास कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उस पर बकवास करते हैं। इनकी नॉलेज खोखली होती है और उन्हें बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट, इन खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं इनकी वीडियो की बहुत ही आसानी से धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ और इनको बता सकता हूँ कि इनको कोई भी नॉलेज नहीं है। अब इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर इन्होंने कहा था कि माई मिनी आईफोन, मैं आपको बता दूँ वो मिनी आईफोन नहीं था, वो सिर्फ एक कार्ड फोन था और इसे क्लिक बेटिंग कहा जाता है। इनके चैनल की ग्रोथ पर अगर आप नज़र डालोगे तो ज़्यादातर वीडियो आपको वायरल सिर्फ जियो की न्यूज़ और आई बॉट या ऑडी, मैंने ऑडी खरीद ली या मैं इतने पैसे कमाता हूँ, ये इनकी वीडियोस सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी और इन्हीं की वजह से इनकी ग्रोथ हुई है। ये समझते हैं कि आप भिखारी हैं, ये 3-3 आईफोन के गिव अवे लगा देते हैं और आपसे कहते हैं कि इसको शेयर करें। अगर आप जीतना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, तभी मैं आपको ये आईफोन दूंगा। और लोग पागलों की तरह एक आईफोन के पीछे उसको सब्सक्राइब कर देते हैं, उनको नॉलेज से कोई लेना देना नहीं। अगर आप सिर्फ डब्बे खोलना देखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निकल आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा और आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्टर, एक न्यूज़ रिपोर्टिंग और डब्बे खुलने के बीच में ही रह जाएंगे, ये सच्चाई है। क्योंकि आप उस इंसान को भगवान बना बैठे, और घमंड तो अकबर का भी नहीं रहा, तुम क्या चीज़। आपको लग रहा होगा मेरे बात करने का लहजा कितना ख़राब है और मैं उसको दाढ़ी वाला इंसान क्यों बोल रहा हूँ। तो आप किसी भी यूट्यूबर से जिससे मैंने बात की, आप पूछ सकते हैं कि अभिषेक सागर कैसा इंसान है, उसके बात करने का तरीका कैसा है और वो कितनी रिस्पेक्ट से बात करता है, आपको पता चल जाएगा। रही बात राखी सावंत की, तो मैं आपको बता दूँ राखी सावंत एक एंटरटेनर है और मेरी परवरिश ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया कि मैं किसी औरत का नाम बीच में लाऊं और किसी की ऐसी बेइज्जती करूं, ये गलत बात है। और मेरी परवरिश ने तो ऐसा नहीं सिखाया, किसी और के बारे में मैं कह नहीं सकता। जो लोग रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो टेक्नो नुहेज हो, कंज्यूमर हो, सपोर्ट माई सपोर्ट हो, या जितने भी लोग हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं उनका पूरा नाम नहीं ले सकता, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, जो नीचे से उठे हैं, आपने गौर किया होगा उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, बिल्कुल भी घमंड नहीं है।
डाउन टू अर्थ है, आपसे इतने अच्छे से बात करते हैं, उन इंसानों से बात करने का दिल भी करता है, बहुत दिल करता है, अच्छे लोग होते हैं। बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, लोगों को धमका दिया जाता है, बोलते हैं मैं कहीं से भी केस लड़ सकता हूँ। जब इंसान का दिमाग खराब होता है तो केस तक तो बात पहुँचती भी नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। तो ये थी कुछ सच्चाई उस इंसान की जो यूट्यूब पर भगवान बन रखा है, और ये भी जानते हैं कि उसके आने से पहले यूट्यूब पर नेगेटिविटी का नाम भी नहीं हुआ करता था, और उसके आने के बाद से उसकी सबसे लड़ाई हुई कंज्यूमर टेक्नोलोहेज सपोर्ट वालों से पंगा हुआ था, माई सपोर्ट से हुआ था, लेकिन उनकी वीडियो डिलीट करा दी गई क्योंकि उन्होंने YouTube के डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे ये व्यक्ति महान बन रहा है, ये बोलता है कि मैं इंडिया आता हूँ तो आप मेरा फायदा उठाइए, मेरे साथ वीडियो बनाइए, कोलैब कीजिए। कोलैब दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं, सिर्फ आप महान बन रहे हैं उनके चैनल्स पर आके, और ये सिर्फ आपके फायदे के लिए है, उस यूट्यूबर के फायदे के लिए नहीं। उस यूट्यूबर को ये नहीं पता कि वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है, उसके चैनल पर कोई और व्यक्ति आ रहा है और वो व्यक्ति और ज़्यादा ऊपर चलता चला जा रहा है, और जो चैनल पर वो आया है वो अपनी पहचान खोता चला जा रहा है। अगर ग्रो करना ही है, अगर कोलैब करना ही है, तो दोनों के चैनल पर वीडियो डालनी चाहिए। कोलैब का असली मतलब यही होता है। इस इंसान के रेट क्या है, ये रिव्यू करने के कितने रेट लेता है, ये बिकाऊ है, मैं आपको बता दूँ, इसके रेट मेरे को पता चल गए हैं, कहाँ से निकाले ये मत कहना, मैं क्रिटिकल हैकर हूँ, तारीफ नहीं कर रहा, बट मेरे पेशे में चुटकियों का खेल है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे किस लिए, यूट्यूबर्स किस लिए होते हैं, ताकि हम दर्शकों को कुछ सिखा सकें, समझा सकें या एंटरटेनमेंट कर सकें, मतलब हमारा तो उद्देश्य यही है ना, लेकिन हम यहाँ पे झगड़ते रहेंगे, इसे बिग बॉस बना दें तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। और ये गालियां मत दो यार, दूसरी वीडियो पे जा जाके मैं रो पड़ूंगा, बता रहा हूँ।